फ्रेंड्स, आज मैं आपसे गुलदावरी के बारे में बात करूंगी। तो आज का टॉपिक है कि गुलदावरी पर अगर कलियां आ गई हैं, इस तरह से बर्ड्स आ गई हैं, तो हमें क्या करना है, कि कौन कौन सी खाद डालनी है, पिंच करना है कि नहीं करना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं आज डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले बात करती हूँ कि पिंचिंग हमें इस टाइम पर करना चाहिए कि नहीं। जैसे कि ये प्लांट बड़ा हो गया है, इसमें ये कलियाँ भी आ गई हैं। तो अगर आपका प्लांट छोटा है, अभी न्यू लेके आए हो, बहुत से प्लांट जो नर्सरी से लेके आते हैं वो छोटा होता है और ज़्यादा बुशी टाइप का नहीं होता है, उसमें बहुत कम फूल रहते हैं और उसको अपनी इच्छा होती है कि उसको बहुत घना कर दें, तो ज़्यादा फूल खिलेंगे तो अच्छा रहेगा, सुंदर दिखता है। तो आप अगर आप चाहते हो तो मतलब ज़्यादा बुशी करना, और आप अगर इंतज़ार कर सकते हो उनको फूल खिलने का, कि लेट अगर हो जाएंगे तो भी चलेगा, तो आप पिंच कर सकते हो। पर कहाँ की करना है ये देखिए। तो जैसे कि मेरा ये प्लांट है, तो मैं इसके जो नीचे साइड की ब्रांचें हैं उनकी मैं पिंचिंग नहीं करूँगी, और जो ऊपर साइड की ब्रांचें हैं मैं उनमें पिंचिंग करूँगी। ऐसा क्यों करूँगी? क्योंकि नीचे प्लांट जो होता है वो नीचे से नहीं बढ़ता है, वो ऊपर से बढ़ता है, टिप्स से। जैसा सभी प्लांट की मतलब नेचर होता है एक, कि जो टिप होती है उससे ही प्लांट बढ़ता है, नीचे से नहीं बढ़ता है। तो आप सिर्फ टिप की जो कुछ ब्रांचें हैं उन्हीं को आप पिंच करिए, बाकी नीचे की आप छोड़ दीजिए। नीचे की अगर आप टिप पिंच करोगे तो आपकी जो ब्रांच है ना वो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करेंगी और आपका प्लांट बहुत स्लोली ग्रोथ करेगा और ब्रांच फूल भी शायद बहुत लेट आएंगे। हाँ, तो इस तरह से। और ऊपर की आप करोगे तो जल्दी से बुशी होगा वो और फूल खिलना चालू हो जाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि इसमें अगर अब पिंच करेंगे, ये नवंबर का महीना चल रहा है, अगर आप पिंच अब करोगे तो एक महीने डेढ़ महीने लेट हो जाएंगे उसमें जो फ्लावर की जो बर्ड्स हैं आना। तो अगर आप चाहते हो मतलब दिसंबर जनवरी तक अगर आप इंतज़ार कर सकते हो तो आप पिंच कर दीजिए, वरना आप रहने दीजिए। ऐसा भी होता है ना कि आधा प्लांट अभी खिल गया, फिर बाद में खिल जाए बाद में, तो ऐसे मतलब लाइन लगी रहती है खिलने की, जल्दी से मतलब एक बार खिल के वो रहता नहीं है। तो अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आप कर लीजिए। और अब हो गया मतलब ये पिंचिंग का, कि पिंचिंग कब नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए है। अब आता है ये भी होता है कि जैसे कि हमारी जो अगर अभी पिंच करेंगे ना तो कलियां भी आपकी जो है छोटी आएंगी, फूल छोटे आएंगे, फूलों की साइज़ बहुत छोटी होगी। और इनमें अब हमें जो नाइट्रोजन वाली खाद है ना वो डालना भी बंद करना है। जैसे कि अब कोई भी हम जो खाद है ना वो बिल्कुल भी नहीं डाल सकते हैं। DAP हुई, यूरिया हुए जैसे खाद, इनसे क्या होता है कि जो इसके जो पत्ते होते हैं ना वो साइज में बड़े हो जाते हैं, पौधों की ग्रोथ होगी लेकिन कलियां जो होंगी ना वो ज़्यादा नहीं होंगी, वो छोटी होंगी। जो ये फूल वगैरह हैं वो बहुत छोटे हो जाएंगे, हो सकता है कि आधे खिले रह जाएं, वो खिले ही नहीं टाइम पर, आधे आधे मतलब पूरी तरह से खिलना ही बंद हो जाएं। तो अब हमें नाइट्रोजन वाली खास करके कोई भी जो फर्टिलाइज़र है वो हमें बिल्कुल भी नहीं देना है। पोटेशियम डालें, इससे फूल खिलेंगे। जो पोटेशियम खाद होती है वो आप डाल सकते हो, कलियां खिलेंगी। और फंगीसाइड वगैरह जो है वो भी आपको डालना बंद करना है। जैसे कि आप नीम ऑयल वगैरह का स्प्रे कर सकते हो थोड़ा, पर ध्यान देना है कि जो बर्ड्स वगैरह हैं उन पर नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप बर्ड्स पर डालोगे तो उससे भी जो कलियां हैं वो अच्छे से खिलती नहीं हैं और थोड़ी वो डैमेज टाइप की हो जाती हैं। वो इस तरह से जैसे कि उनको कीड़ों ने खा लिया, वो टेढ़ी मेढ़ी कुछ इस तरह से हो जाती हैं। तो आप कोई भी फंगीसाइड ना डालें तो अच्छा है, और डालें तो पत्ती वगैरह पर डालें जिससे कि कीड़े वगैरह ना लगें।
और पूरे दिन की इस धूप में रखना है, क्योंकि इन्हें धूप बहुत पसंद है। अभी वैसे सर्दियों में ज़्यादा धूप तो निकलती नहीं है, जितनी धूप आप इनको दें पूरे दिन की उतना ही ये अच्छे से खिलेंगे। और डायरेक्ट सनलाइट में रखना है। और आप जिस तरफ की मतलब आपकी सनलाइट है, आप उसको इस तरह से आप है ना इसको गमले को बदलते रहें, क्योंकि क्या होता है कि जिस तरफ सनलाइट पड़ती है उस तरफ की जो कलियां हैं अच्छे से खिलती हैं, और जिस तरफ सनलाइट नहीं पड़ती है उस तरफ की कलियां अच्छे से खिलती भी नहीं हैं। और जो कीड़े वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है ना वो भी होती है। और इसकी पत्तियां ज़रूर आप तोड़ दें, क्योंकि इनसे क्या होता है कि जो पत्तों के पीछे कीड़े लग जाते हैं और सनलाइट और हवा वगैरह नहीं पहुंच पाती है, तो अच्छे से प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाता है, बड्स अच्छे से खिलती नहीं है, और फंगस वगैरह बहुत चलते हैं, खास करके ये ब्लैक जो है वो इनका भी मैं बताऊंगी कि क्या करना है। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।